और भी नई रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शालिनी रस्तोगीज किचन और दबाएं बेल आइकन और देखिए मेरी नई रेसिपीज तुरंत। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ फलाहारी कटलेट, जो बिल्कुल नाइस गोल्डन कलर के बने हैं। इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करके फ्राई पैन को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और इसको मेल्ट होने देंगे। जैसे घी मेल्ट हो जाएगा उसमें डाल देंगे 50 ग्राम मखाने। गैस को कर देंगे हल्का और इसको भूनना शुरू करेंगे। लगातार इसको चलाते रहेंगे जब तक इसका कलर हमें चेंज हुआ नहीं दिखाई देगा, तब तक इसको हम लगातार भूनते रहेंगे। मखानों का कलर चेंज होने लगा है, अब गैस को कर देंगे बंद और मखानों को एक प्लेट में पलट कर ठंडा कर लेंगे। अब दोबारा से पैन को गर्म करेंगे और उसमें डाल देंगे 50 ग्राम मूंगफली के दाने और इसको भी हम भून लेंगे। जब इस पर स्पॉट दिखने लगेंगे हमें, तब हम गैस को बंद कर देंगे। मुझे इसे भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखेंगे कि इस पर छोटे छोटे स्पॉट्स आ चुके हैं। अब गैस को कर देंगे बंद और इसको भी एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। मखाने हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब इसको हम मिक्सी में पलट कर बारीक पीस लेंगे। मूँगफली भी हमारी ठंडी हो चुकी हैं, अब इसको भी जार में डाल के पीस लेंगे। अब मेरे पास हैं उबले आलू, इसको कि मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे, साथ ही इसमें डाल लेंगे मूंगफली का पाउडर, मखाने जो हमने मिक्सी कर लिए थे उसका भी पाउडर बना लिया था, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चुटकी लाल मिर्च, 1 चुटकी काली मिर्च, नमक अपने टेस्ट के अनुसार। अगर आप हरा धनिया खाते हैं तो इसमें हरे धनिया की पत्ती भी डाल लें और इन सारी चीज़ों को मैश कर लें। मेरे घर में हरा धनिया नहीं खाते हैं इसलिए मैंने नहीं डाला है इसमें। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हाथों को कर लेंगे थोड़ा सा चिकना घी लगाकर और कटलेट बनाने इसके शुरू करेंगे। कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको आज गोल शेप दूंगी। इस तरीके से सारे आप इस तरह से तैयार कर लें। सारे कटलेट बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं, अब पैन को गर्म होने रख देंगे। पैन के गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच देसी घी, आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देसी घी में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इसको मेल्ट कर लें और एक एक करके कटलेट डालना शुरू करेंगे। जितने पैन में आसानी से आ सकते हैं उतने हम डाल लेंगे। अब गैस को कर देंगे हल्का और इसको शैलो फ्राई करना शुरू करेंगे। जब एक साइड से सिक जाएंगे तब हम इसको पलटेंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में हिलाते रहें इस तरह से इसको। कटलेट हमारे एक साइड से सिकने लगे हैं, अब इसको हम पलटना शुरू करेंगे। वाओ, नाइस कलर। आपने देखा होगा हम जब भी मैश करके आलू को कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें अरारोट या मैदा का उपयोग करते हैं ताकि टिक्की हमारी अच्छे से कराए और उसको बाइंडिंग भी मिल जाए। तो यहाँ पर हमारी बाइंडिंग का काम मखाने कर रहे हैं, जो टेस्ट को तो बढ़ाएंगे ही और साथ ही इसको बाइंड भी करेंगे। अब इधर से इसको सेक लेंगे। इन कटलेट में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको जितना घी खाना है या इसमें जितना घी डालना है आप उतना घी डाल लें, क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि इसमें अभी घी दिखाई नहीं दे रहा है तो आप घी डालते जाएंगे और ये सोखते जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने मखाने डाले हैं और मखाने घी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इसलिए सोच समझ कर आप अपने हिसाब से इसमें घी का उपयोग करें। अब ये दूसरी साइड से भी सिकने लगे हैं, अब इसको हम पलट लेंगे और इसी तरह से उलट पलट के खूब करारे करके इसको सेक लेंगे। कटलेट हमारे दोनों साइड से सिक चुके हैं और ये सर्व करने के लिए गरम गरम बिल्कुल तैयार हैं। अब गैस को कर देंगे बंद और इसको सर्व करेंगे। कटलेट हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आलू बहुत खुश्की करते हैं और इसमें आलू का हमने प्रयोग किया है, तो इसको हम खाएंगे दही के साथ। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।